नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं आपके सामने आज का इतिहास लेकर हाजिर हूं। और आज तारीख 30 सितंबर है। 30 सितंबर से जुड़े अगर ऐतिहासिक घटनाक्रम का जिक्र करूं तो आज की तारीख के ही दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया ने दुनिया को अलविदा कहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र में भयंकर भूकंप में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और भी ऐतिहासिक घटनाक्रम आज की तारीख से जुड़े हुए हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1947, पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। साल 1984, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच पहली बार सीमा रेखा खोली गई। साल 1993, महाराष्ट्र में भूकंप की वजह से तकरीबन 20,000 लोग मारे गए। साल 2001, कांग्रेस के प्रमुख नेता माधवराव सिंधिया ने दुनिया को अलविदा कहा। साल 2003, विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। साल 2010, अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का फैसला किया। तो ये था आज की तारीख का इतिहास। कल फिर से आपके सामने लेकर हाजिर होंगे हम अगली तारीख का इतिहास। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।